सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, कूलपैड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 2016 में कूलपैड नोट 3 वगैरह लॉन्च करके बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग में आ गई थी, 7000 और 9000 की प्राइस पॉइंट पे। बट गाइस, कूलपैड ने अभी यहाँ पर दो बजट सेगमेंट के फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। पहले स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर कूलपैड A1 और दूसरे स्मार्टफोन का नाम है कूलपैड Mega 4A। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, बताऊँगा उसके स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और शेयर करूँगा अपने कुछ ओपिनियंस, और आपको बताऊँगा कि क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, दो मॉडल यहां पर लॉन्च करे। जो बड़ा वाला भाई है उसका नाम है कूलपैड A1 और जो छोटा भाई है उसका नाम है कूलपैड Mega 4A। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर बड़े भाई की, जो कि है कूलपैड A1। कन्फ्यूजन हो रहा है यार नाम में। और यहाँ पर A1 की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वही आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बजट सेगमेंट में प्लास्टिक की मिलेगी, चलो ठीक है। और यहाँ पर आपको 5 इंच का 720p वाला IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2GB की रैम मिल जाएगी, 16GB की स्टोरेज मिल जाएगी। मेमोरी कार्ड लगा के आप इस पर एक्सपांड भी कर सकते हो। प्रोसेसर आपको मिलेगा यहाँ पर स्नैपड्रैगन 210। जी हाँ, 400 भी नहीं है, 210 का आपको प्रोसेसर मिलेगा। और एड्रीनो का 304 का GPU मिल जाएगा। और साथ ही साथ कैमरा आपको यहाँ पर बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा LED फ्लैश के साथ में। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 2500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह आपको कुछ ये फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग रखी गई है ये फ़ोन की 5500 रुपये, जो कि टोटली आप बोल सकते हो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है 5500 अपना वेस्ट करने से। अब बात करते हैं छोटे भाई की, यहाँ पर इसका नाम है कूलपैड Mega 4A। और यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो अगेन बिल्कुल ही आपको वही प्लास्टिक वाली मिलती है। 5 इंच का 720p डिस्प्ले यहाँ भी मिलता है। यहाँ पर आपको 1GB की रैम मिलती है, 16GB की स्टोरेज मिलती है। और यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर मिलता है, मतलब बिल्कुल ही बेकार है। 720p डिस्प्ले पर स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छे से रन नहीं करने वाला है, ये मैं आपको कन्फर्मली बोल सकता हूँ। और कैमरास की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा बैक में 5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा। और इसमें बैटरी आपको मिलेगी 2000mAh की। और इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 4300 रुपये। तो यार बिल्कुल भी दोनों फ़ोन मुझे अच्छे नहीं लगे। हाँ, छोटा वाला आप बोल सकते हो 4300 में आप ले सकते हो अगर आपको मतलब स्विच कर रहे हो बटन वाले फ़ोन से, बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई 4300 में वो लो, 700 रुपये बढ़ाओ 10 और D ले लो। और अगर आपको बड़ा A1 जितना आपकी प्राइसिंग है तो रेडमी का 5A परचेस कर लो, या 10 और D ले लो, या 10 और E ले लो 6000 में, वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू ये दोनों फ़ोन से। ये दोनों फ़ोन क्या सोच के कूलपैड ने लॉन्च करा मुझे तो नहीं पता। मतलब एक तो पहले ही कंपनी की इतना नाम नहीं है, और ऑलरेडी मतलब जो अच्छे शाओमी है, 10 और जैसी कंपनी है उसको कम्पीट करना है, और उससे भी बेकार स्पेसिफिकेशन। अगर उसके बराबर नहीं दे सकते हो तो कम से कम इतना कम मत दो कि मतलब आदमी देखे नहीं है फ़ोन को। बट आप में से बहुत सारे लोग दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, कस्टमर को, लोगों को दुकान वाले ये सब डिवाइस बता देते हैं और वो लोग परचेस कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल भी सबको बोल देना भाई ये दो डिवाइस से बच के रहना। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। We'll be right back.